बताइए कि आज जो रोड में घूम रहे हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका कोई अंदाजा है? कितने आदमी मर रहे हैं कोई अंदाजा है? प्ले हो गई है। अच्छा, आपने जी ने कहा है कि यदि बसपा कैंडिडेट नहीं जीतता है तो भाजपा को वोट करें। भाजपा का गढ़ है, भाजपा का सीट पक्की निकल रही है, बिल्कुल निकलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा क्या कर दिया है प्रेमपाल जी ने? प्रेमपाल जी तो पूछो मत। अच्छा, ये उपचुनाव में आए, इनने फरी के दो टुकनी किए, वैसे हमारा सांसद भी इनने दे दिया यहाँ का जादौन, उनने भी फरी के दो टुकनी करे, वैसे हमारा चेयरमैन दे दिया यहाँ फरी के दो टुकनी करे, पर हम बीजेपी के, बीजेपी को ही देंगे ये भी बात। कोई करे चाहे न करे बीजेपी, हाँ कर, सपा से भाजपा से किससे? भाजपा भाजपा कमल का कमल कमल का फूल आ रहा है, कमल ही आएगा, कमल कमल ही हमारी जान बचा सकता है। तो कहीं मेरा तो यही हिंदुस्तान वासियों से कहना है, ये जो अनमोल हीरा हमें जो मिला है जिसका नाम है मोदी, और ये अनमोल जो हीरा मिला है इसको कहीं, ये जो महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ गई है इसके कारण हम ऐसे हीरा को ना खोदें जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को खो दिया था, क्योंकि ये जो मोदी हीरा मिला है बहुत अच्छा हीरा मिला है। हम क्यों जुड़े इस पार्टी से? जो धर्म और राष्ट्र हित की बात करे उसी को वोट देना चाहिए। अच्छा। मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट की चुनावी पड़ताल। इस समय हम टूंडला रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से हिंदुस्तान के लिए गाड़ियां निकलती हैं। उस जनता से, टूंडला की जनता से पूछेंगे कि आपके विधानसभा से कौन प्रत्याशी निकल रहा है। हम यहां पर मेडिकल स्टोर भी हैं कुछ, और इनसे बात करते हैं, क्योंकि खबर एक्सपर्ट पहुंचता है अंडरग्राउंड, रिपोर्टिंग दिखाता है, जन जन तक पहुंचता है, क्योंकि जनता ही चुनती है प्रत्याशी को, प्रत्याशी बनाता है सरकार। क्या नाम है? अनुज नाम है मेरा, अनुज। क्या हाल है टूंडला का? बढ़िया है टूंडला का। चुनाव आने वाले हैं? हाँ, चुनाव आने। कब के चुनाव है? 20 तारीख को। क्या हाल है प्रत्याशी, कौन कौन है यहाँ पर? भाजपा से प्रेमपाल जी धनगर है, सपा से राकेश बाबू जी है, दो ही की जानकारी मेरे को बस। जीत कौन रहा है? कमल जीत रहा है, फूल। हाँ, फूल जीत रहा है। कमल क्यों जीत रहा है? अपना अपना अंदर से आवाज़ आ रही है कमल जी जीते को। तो बोल रहे हैं साइकिल जा रही है, वो तो अपने अपने व्यक्तिगत राय है लोगों की, मेरी राय में कमल जीत रहा है। कमल की कुछ अच्छाइयाँ हैं? सब अच्छाइयाँ हैं सारी, मोदी जी हैं सबसे बड़ी अच्छा, यही है उनकी, मोदी जी और योगी जी है, यही अच्छाई है। तो मोदी जी योगी जी हैं इसलिए कमल जीत रहा है। आपका जो लॉकडाउन लगा व्यवसाय पर, लोग परेशान थे, व्यापारी वर्ग, विपक्ष कहता है कि जनता पूरे हिंदुस्तान की परेशान रही, तो आप उससे जो कोविड काल देखा आपने, योगी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, विपक्ष कहता है कि योगी सरकार में तो लोग परेशान रहे आप? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता परेशान रहे, लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था, उसके बाद मोदी सरकार ने कुछ योजना भी निकाली उसको, उसका कवर करने के लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि लोग परेशान रहे। कमल नहीं, टूल कमल विधायक जो होने वाले हैं प्रेमपाल जी धनगर, अभी भी वही है, होने हाँ होने वाले ही वही हैं, एक ही बात है। प्रेमपाल विधायक जो और बोल रहे हैं होने वाले भी यही हैं, और भी हमारे पास खड़े हुए हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर, दुकानें, यहाँ पर चलने वाले लोगों से जन जन की राय जानेंगे हम। मेरा नाम विपुल जैन है। जैन साहब क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है। टूंडला में चुनाव है? चुनाव है 20 तारीख को। कैसा है, सही लग रहा है? बढ़िया लग रहा है चुनाव। क्या हाथी चिंगाड़ रहा है या साइकिल दौड़ रही है, फूल की महक? यहाँ पर फूल की टक्कर है, यहाँ पर साइकिल और फूल की टक्कर चल रही है। आपकी किससे टक्कर है, आप क्या कह रहे हो? व्यापारी वर्ग तो ज्यादातर बीजेपी का समर्थक है यहाँ पर टूंडला के अंदर। विपक्ष कहता है व्यापारी वर्ग तो दुखी है बीजेपी से। व्यापारी वर्ग अब विपक्ष तो कहता ही है, क्योंकि विपक्ष नहीं कहेगा तो पक्ष का कौन सुनेगा। आप ऐसे खुश हो बीजेपी? नहीं, ठीक है, आएगी सरकार, अब देखते हैं क्या होता है, आएगी क्या होता है। आपके यहाँ पर कौन आ रहा है? हमारे पे तो अभी यहाँ पे प्रेमपाल आगे चल रहा है, वही आ रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या। ये तो आप बताएं, अब आप बताएं यहाँ पर प्रत्याशी कौन जीत रहा है? यहाँ जिला है राकेश बाबू, राकेश बाबू जी समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं? अच्छे काम पहले भी किए थे, अब हर काम उन्होंने पहले भी किए थे, उन्होंने दे दिया बीजेपी को। यहाँ पर और भी लोग हैं,
जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या हाल है? बटूंडला में कौन आ रहा है इस समय? बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही है, ये तो बोल रहे हैं कि अच्छा 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 बोल रहे हैं बीजेपी आ रही है। आप तब से बोल रहे थे सपा आ रही है, करें बीजेपी आ रही है, क्या बोलोगे? अरे मैं तो यूँ कह रहा हूँ, मेरी सपा आ रही है बस। क्यों आ रही है सपा? ऐसा क्या किया है ऐसा खास? सपा ने बहुत कुछ किया है, और ये यमुना हाईवे बनाया है, ये किन्ने बनाया आप बताओ? किसने बनाया? ये कह रहे हैं कि सपा ने बहुत अच्छा किया है, यमुना एक्सप्रेस बनाया, तुम्हारी भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने क्या किया? इनसे भी पूछ लेते, भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने खरीद दिया राशन। राशन मिला है आपको? राशन मिला है, और वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा है? भाजपा खा रही है क्या उसको? अब कौन खा रहा है? हमें क्या मालूम है कौन? राशन लेने जाते नहीं हो, मिल नहीं रहा है? सात आदमी जगह तीन का मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है? कितनी बार? तीन साल से नहीं मिल रहा है। अब तीन साल खिट्टा ले रहे हो, दो दो बार? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो ले ही नहीं रहे। गुड, बहुत अच्छा भाई साहब। और भी यहाँ पर युवा खड़े हुए हैं जी, क्या नाम है आपका? जी आकाश कुमार पटेल नाम है मेरा। अच्छा पटेल जी, पटेल जी क्या हाल है टुंडला का? टुंडला में तो अभी बीजेपी का है, बीजेपी की आ रही है, इस बार योगी की सरकार बनेगी। बीजेपी से प्रत्याशी कौन है? प्रेमपाल सिंह धनगर है यहाँ से। अच्छा वो आ रहे हैं? आ रहे हैं 100% आ रहे हैं। रोजगार की आप पढ़ रहे हो, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार बीजेपी ने नहीं दिया, बेरोजगारी ज्यादा फैला दिया, आप उसका क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रोजगार तो है, यूपी में रोजगार दिया है। देखो हमारे पास एक भैया ये ठेल वाले चौके, हम इनकी भी राय जानेंगे। भैया इधर आओ, क्या नाम है आपका? मेरी कोई राय नहीं है था नहीं, नाम नहीं, मेरी कोई राय नहीं है। नहीं क्या नहीं, मेरी कोई राय नहीं। सपा है, भाजपा है, बसपा है, मेरी कोई राय। क्यों? मेरा वोट व्यापार वोट नहीं है मेरा। आपका कोई व्यापार पे से फर्क पड़ा वैसे इस पर? अभी लॉकडाउन लगा या भाजपा के शासन में आपने उससे भी पहले देखा था व्यापार किया था? कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ है तो कौन आ रहा है, सपा आ रही भाजपा? ये नहीं मालूम मुझे, वैसे ये तो खबर तो सुनते रहते हैं। नहीं नहीं कोई मालूम। अच्छा ये नहीं बताएंगे। देखो हमारे यहाँ पर भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं सेठ जी, आप क्योंकि व्यापारी वर्ग से भी बात करते हैं, व्यापारी वर्ग भाजपा बसपा सपा में ये क्योंकि उन्होंने कई सरकारें देखी हैं जी। जैन साहब, जैन साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू जैन। पप्पू जैन साहब क्या हाल है? ठीक है ठीक है। जय भीम, जय साइकिल, कमल का फूल क्या है? कमल का फूल। खुशबू आ रही है? बुलडोजर वाले बाबा आ रहे हैं। बुलडोजर वाले बाबा कौन आ रहे हैं? बाबा बाबा बुलडोजर बाबे योगी बाबा। बुलडोजर बाबा की सरकार में सुरक्षित हो आप, क्या हो, क्यों मांग रहे हो? सुरक्षा की वजह से लूट खसोट खत्म। अच्छा बसपा सपा कांग्रेस तब क्या? चूंकि आपकी तो बहुत पुरानी दुकान है, आपने कई सरकारें देखी है। सरकारों में क्या था? लूट खसोट, लूट खसोट होती थी। तो टुंडला से कौन निकल रहा है? प्रेमपाल सिंह धनगर। प्रेमपाल सिंह धनगर। प्रेमपाल सिंह धनगर सपा से, भाजपा से, किससे? भाजपा भाजपा। कमल का कमल का फूल आ रहा है, कमल ही आएगा, कमल कमल ही हमारी जान बचा सकता है। अच्छा और सपा बसपा? सपा तो छोड़ दो, बसपा तो अंदर विलय हो गई है। अच्छा आपने मोदी जी ने कहा है कि यदि बसपा कैंडिडेट नहीं जीतता है तो भाजपा को वोट दें, सभी दलितों से कल ही उन्होंने वो किया है निवेदन। बसपा वाले भाजपा में आ रहे हैं? भाजपा को ही जिताएंगे, भाजपा ही जीतेगी। अपनी जान बचानी है तो भाजपा को लाना है, लोग बोल रहे राष्ट्रहित में, सभी राष्ट्रहित में भाजपा को लाना है, भाजपा ही जीतेगी। क्यों जीते? ऐसे काम कुछ है? अरे हमारी सुरक्षा इतनी बड़ी है, वो भाजपा के कारण ही बड़ी है, नहीं इतनी हिम्मत नहीं होती थी, अब तो जाने क्या क्या हो जाता था। लेकिन व्यापार तो खत्म हो रहा होगा, ऐसा है कुछ? अरे तो व्यापार खत्म है, जान तो बची है, जान बची रहेगी तो व्यापार ही बढ़ जाएगा, अभी जान तो बची हुई है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी में बेरोजगारी, महंगाई, आप शायद तेल, ये कड़ुआ तेल की बात हो रही थी, वो बार बार यही कड़ुआ तेल की बात आती है कि सपा में बहुत सस्ता था, अभी महंगा हो गया है। अरे तो महंगा हो गया तो किसानों का तो फायदा हो रहा है, किसी ना किसी को तो फायदा होगा, अगर एक जने को नुकसान होगा। किसानों का क्या फायदा होगा? क्यों सरसों महंगी होगी तभी तो सरसों का तेल महंगा हुआ है, सरसों महंगी होगी तो किसानों को लाभ होगा, किसी को तो लाभ मिलेगा ही। ये देखा था व्यापार वर्ग, क्या नाम है आपका? आचार्य राम सिंह शास्त्री। आचार्य जी, आचार्य जी आप बताएं, आप टुंडला के रहने वाले विधानसभा के? विधानसभा से। तो टुंडला विधानसभा में क्या लग रहा है? टुंडला विधानसभा में इस बार टुंडला विधानसभा ही क्या है, हम तो ये बता रहे हैं आपको, जिला फिरोजाबाद में पांचों विधानसभा सीटों पर फूल ही खिलेगा। क्यों खिलेगा? क्या भागवत भागवत अच्छी चल रही है आचार्य जी, क्या है, कैसे फूल की तारीफ? भागवत तो खैर कोई बात नहीं है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में
प्याज महंगी हो गई थी, लोगों ने ऐसे देश के हीरा को खो दिया प्याज महंगा होने के कारण। तो कहीं मेरा तो यही हिंदुस्तान वासियों से कहना है, ये जो अनमोल हीरा हमें जो मिला है जिसका नाम है मोदी, और ये अनमोल जो हीरा मिला है इसको कहीं, ये जो महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ गई है इसके कारण हम ऐसे हीरा को ना खोदें जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को खो दिया था। क्योंकि ये जो मोदी हीरा मिला है बहुत अच्छा हीरा मिला है। हम क्यों जुड़े इस पार्टी से, जो धर्म और राष्ट्र की बात करें उसी को वोट देना चाहिए। आचार्य जी, हम तो अभी मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश में योगी जी हैं इस समय, तो योगी जी से क्या आप बताइए? योगी जी से देखिए, आज गुंडागर्दी खत्म हो गई, हमारी बहन बेटियां सड़कों पर अभी हम तमाम जगह देख रहे हैं, रात के 8 बजे 9 बजे भी साइकिल लेके जाती हैं, कोई हादसा नहीं ऐसा आ रहा है, सब लोग सुरक्षित हैं सरकार में। आप बताइए मुझे कौन सा नुकसान है लोगों को? कोई नुकसान नहीं है। किसान परेशान है, विपक्ष कह रहा किसान परेशान है एक ही समस्या से, वो है गाय की समस्या। और गाय की समस्या में जब कोई भी व्यक्ति, हम ही क्यों ना हो, आप हो या हम हो, मान लीजिए अगर सरकार 100 काम अच्छे कर रही है, ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जो 100 में से 100 भी सही कर दे, एक आध गलती तो सरकार से भी हो जाती है। इस ओर अभी नज़र नहीं डाली है लेकिन इस ओर नज़र डलने वाली है बिल्कुल। हमारे माननीय विधायक जी प्रेमपाल सिंह धनगर जी ने कह दिया है, जब मेरी पहली तनख्वाह जो निकल के आएगी मैं अपनी तरफ से इस क्षेत्र में गौशाला बनाने का काम सर्वप्रथम करूंगा, गायों की रक्षा ही इस मातृभाषा की भूमि की यही रक्षा सबसे सर्वप्रधान है। और भी यहाँ पर खड़े, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश बाबू। राकेश बाबू, टुंडला में क्या हाल है? सही स्थिति है साहब। सपा की? सपा की नहीं, सबकी है। अब जो तीनों पार्टी खड़ी हुई है ठीक चल रही स्थिति, सब अपने अपने कार में लगे हुए हैं। आपका लगता है नीला है रंग, नीला रंग नहीं, क्या तो कुछ ऐसा तो नहीं सर, मैंने ऐसे ही पहन रखा है। तो वैसे जाकेटी ऐसी कौन आ रहा है? देखो जो मेहनत करेगा वो आ जाएगा, अपने अच्छा काम करेगा। वैसे आपने सरकार देखी अभी, बीजेपी शासन की बात कर रहे थे, बीजेपी शासन बढ़िया चला सर, बीजेपी शासन। गरीबों के लिए, व्यापारी के लिए, शिक्षा में थोड़ी सी बात करेंगे, शिक्षा गरीबी कैसे हुई? देखो शिक्षा तो ऐसा, अभी कोरोना आ गया तो उसमें शिक्षा सही नहीं मिल पाई बच्चों को, स्कूल विस्कूल बंद रहे तो उसमें नहीं हो पाई। वैसे सही चला आपका, ये गुंडागर्दी है वैसे सब काम, गुंडागर्दी रुकी? हाँ रुकी। मनोज गोस्वामी। गोस्वामी जी टुंडला में भाई साहब बोल रहे हैं भाजपा आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही आ रही है, ये गढ़ है भाजपा का, गढ़ है भाजपा का, सीट पक्की निकल रही है? बिल्कुल निकलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा क्या कर दिया है प्रेमपाल जी ने? प्रेमपाल जी तो पूछो मत। अच्छा। ये उपचुनाव में आए, इनने फरी के 2 टुकनी किए, वैसे ही हमारा सांसद भी इनने दे दिया यहाँ का जादौन, उनने भी फरी के 2 टुकनी करे, वैसे ही हमारा चेयरमैन दे दिया यहाँ फरी के 2 टुकनी करे, पर हम बीजेपी के, बीजेपी को ही देंगे ये भी बात बता, कोई करे चाहे न करे बीजेपी। हाँ पक्की बात है। ऐसा क्या हो गया कि जो कि कुछ करे न करे, यहाँ का व्यापारी गण जितना भी है, एक तो यहाँ गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल, जो यहाँ साइकिल का कार्यालय था वो थाना भवन था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब 100 मीटर दूर भटके, 100 मीटर दूर राम प्रकाश यादव, तो यादव गायब है गए, राम प्रकाश रह गए। मैं खुली खेल फरक्काबाद एलान भाई ठर्रा कहता हूँ। आपने बहुत अच्छा, नहीं ऐसा क्या, यहाँ गोलियों की तड़ताहट पीटती थी, उसमें क्या होता था जो पहले भयभीत थे और अब खुश हो? भयभीत क्या, जो दबंग है उससे तो बोलते नहीं थे, जे दूसरे आदमी जो वैसे हैं उनको दबाते थे, जो निचले तबके के उनकी खेतियों पे कब्जा करते थे, बिल्डिंगों पे कब्जा करते थे, जे उनका शासन था। विकास की गंगा बह रही है, नाली में एक ईंट लगाई नहीं, विकास का गंगा बहा रहे हैं वो अखिलेश यादव हैं। मैं खुली बोल रहा हूँ, खुला। आप बहुत नाराजगी में बोल रहे हो, ऐसा क्या लोग नहीं जो बात है सो साफ बता दे। आप इधर और पूछो, क्या पूछोगे? नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपकी ये सपा सरकार या बसपा सरकार की नाराजगी ऐसी क्यों है? नाराजगी कुछ नहीं है, बहुत से काम ऐसे हैं जो मैंने साइकिल की सरकार में समाजवादी में कराए हैं, जो अच्छे खानी करा सकते हैं, पर मेरे ही काम होने से कोई फायदा नहीं है, बाकी लोगों के तो काम नहीं हो पा रहे हैं। अब मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं, मैंने 302 के केस में अपने ऊपर लगा इल्जाम, और मैंने सपा के सरकार में मैंने फाइनल रिपोर्ट लगवाई है। अच्छा खासा इंसान कौन है जो लगवा ले, मैं उसको मान जाऊँगा। सपा सरकार तो आपने बहुत तो मेरी है व्यवस्था, तो मैंने लगवाई है। अब फिर भाजपा क्यों जा रहे हो? तो
ऐसा था, सन 89 में मैं जेल खाने में बंद था, तब भी मेरे पर 302 लगा हुआ था। झूठा है, झूठा। अब झूठा समझो चाहे सच्चा समझो, मैं 90 में छूटा वहाँ से, तो मैंने उस समय देखा था पमारी कांड हुआ था, हैं, तो तमाम आदमी अंदर जेल खाने में आ गए थे, किसान नेता, पनवारी कांड गाँव है, और उसी टाइम बाबरी मस्जिद टूटी थी, तो मैंने देखा था कर्फ्यू लगा हुआ था, अब पीएसी लगी हुई थी, कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कैसे मुसलमानों के साथ वफादारी हो रही है, मैं खुल के कह रहा हूँ, कोई वो नहीं है। और उस समय तुम्हारे कृष्णवीर सिंह कौशल आगरा के विधायक थे, और भी कई थे कांग्रेस के, कांग्रेस की सरकार थी, इनने जेल खाने के अंदर रजाई गद्दे दिए थे मुसलमानों को, बीड़ी माचिसों के छोटा टेम्पू भिजवाया था भर के, पर हिंदुओं को किसी से नहीं पूछा था। मैं ये एक ऐसा बंदा था कि मैंने हिंदुओं की मदद करी थी अपनी माँ, कि कंबल नहीं कंबल ले, कटोरा नहीं है कटोरा ले, मैं जेलर से बात करता हूँ, डिप्टी जेलर से बात करता हूँ, दिलवाता हूँ, वो देंगे, और दिलवाया सबों को। तो मैंने देखा जी अत्याचार सब कुछ देखा है, तो मैं उसी टाइम से बीजेपी का भक्त हो गया, और मैं जब वहाँ से निकला तो उस समय इलेक्शन आ गया बीजेपी का, मैंने 3 महीने प्याऊ चलाई, बेपैसा किसी साले का एक पैसा नहीं, अपना पर्सनल पैसे से 3 महीने प्याऊ चलवाई मैंने चौराहे पे, हाँ। और उस समय लाल कृष्ण आदमानी आए थे बीरी सिंह में, तो काफ़ी भीड़ थी, तो एसपी साहब आए थे वहाँ, पानी के लिए त्राही त्राही थी, जून का महीना था, तो एसपी साहब आए प्याई पे, तो बोले कि ऐसा करो 3-4 लड़के भेजिए माँ पंडाल में, और माँ पानी पिलाए, माँ पानी की ज़रूरत है बहुत। तो मैंने खुला कह दिया था ये किसी की पर्सनल, किसी के बाप की प्याऊ नहीं है, ये प्याऊ मेरी है, जिसको प्यास लग रही हो वो यहाँ प्याऊ पे आके पानी पिए, ना कि स्टेज और वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, मेरे पास आदमी। अच्छा भाई साहब, आपने अपनी आप बीती बताई, वास्तव में अच्छा लगा, आपने भाजपा सपा के जो सुशासन कुशासन में जो अंतर बताया, आपकी आंखों में आंसू झलक रहे थे, जो स्थिति बताई कि रजाई उनको दी जा रही थी आपको नहीं। सुन लो, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मायावती का भी 3 बार ऑफर आया है, उनके टाइम में सन 96 में नमनेश वरुण यहाँ से खड़ी थी एमएलए के लिए, तो वो मेरे दोस्त की वाइफ थी, मैंने मना कर दिया था कि मैं बीजेपी का हूँ तुम्हारे उसमें जाऊँगा नहीं, कि नहीं नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, मेरे लिए चलना पड़ेगा, भाभी के लिए चलना पड़ेगा। मैंने देखो पैसा मैं सब खर्च कर सकता हूँ, पर जहाँ मैं जाऊँगा तो वो पब्लिक तुम्हारी मुझे देख के चौंक जाएगी, ऑलरेडी मैं आई कास्ट हूँ, इसलिए वो मुझे सब जानते हैं कि ये कौन है कौन नहीं है, तो वो सभा तो कम करेंगे, मेरी तरफ देखा था कि तुम उन लोगों से मतलब नहीं, मेरे साथ चलो, मैं जाता था वो खड़े। उसके बावजूद भी मायावती को मैंने थैली भेंट करा था, यहाँ प्राइमरी में आई थी। आपको किसी सरकार से घृणा नहीं है, आपके उनको कर्मों से घृणा है, कर्मों से घृणा। तो ये देखा था टुंडला की राय, जहाँ दीपा चौराहे पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, यहाँ पर एक सज्जन मिले, उन्होंने सपा और भाजपा के शासन और कुशासन में अंतर बताया, क्योंकि उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी उस समय की, जब वो जेल में बंद थे, लोगों हिंदू और मुस्लिम के साथ क्या क्या सदव्यवहार दुर्व्यवहार होते थे, ये उन्होंने आप बीती बताई थी। हम आपको ऐसी खबर दिखाते रहेंगे, क्योंकि टुंडला का मतदान जो 20 फरवरी को होगा तृतीय फेज में, तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। नमस्कार।